cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can. Assalamualaikum. तो मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यार। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग ने सरकार के इधर से ब्लॉग चालू किए हैं। इधर देखो समीर बैठे हैं और सरकार का गुम्बद देखो माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा है। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग अपना रात में स्टार्ट की हूँ, नहीं तो फजर में स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने शाम में रात में स्टार्ट किया। तो मैं कितना बज रहा है, नहीं पैसा दूं अभी? तो तुम बोल रहे कल दो, अभी दो, जब भी दो। तो फाइनली जो हमारे मुंबई से भी बैठे, अच्छा आप तो नहीं आते ब्लॉक में, मुंह छुपाते हो। ये भाई भी बैठे जो हमारे बॉम्बे से है। हाँ तो भी हम लोग नियाज करेंगे, अभी हम लोग खाना वाना खा के बैठे है ना भाई। आप कहाँ से भाई? डोंगरी से। डोंगरी से भाई हमारे, इंशाल्लाह डोंगरी आएगी तो जरूर मिलेंगे। अरे बाप रे, तुमको बहुत पबा तैयार 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 का मामला है। ये हमारे खादिम साहब के ताया जी है, मतलब चाचा जी। और ये हमारे क्या भाई, इतना नाम क्या भूल गए भाई, अशरफ भाई है। बहुत खिदमत करते आएंगे तो बेचारे होटल में भी आते, बहुत ज्यादा बोलते नहीं क्या, ध्यान रखते। और ओ भाई मोहन भाई, आज समीर, ये हमारे खादिम साहब है। समीर से थोड़ी बातें कर रहे, और इन लोग को क्या ठंडी बहुत ज्यादा लगती ना, तो लोग जैकेट वैकेट में स्वेटर में रहते। देखो मेरे समीर ने स्वेटर वेटर नहीं पहने, और मैं भी स्वेटर नहीं डालती हूँ। हम लोग को बॉम्बे वाले को ठंडी नहीं लगती ज्यादा। जरा पंखा तो चालू कर दो, गर्म कितना हो रहा है। मैंने बोले लोगों को ठंडी बहुत लगती है, लोग जैकेट है, मेरे समीर ने देखो जैकेट नहीं पहने ले। और सभी तो देखो तो सामने से सामने नीचे जाओ ना, थोड़ा जल्दी जाओ, मेरा एक मिनट हो जाएगा पूरा फिनिश। तो ये देखो समीर और हमारे मोइन खादिम बात कर रहे हैं। सरकार का गुम्बद भी आपको सामने दिख ही रहा है। माशाल्लाह हमारे खादिम साहब भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी गद्दी भी एकदम सामने ही है। बेटा ये इनका क्या बोलते है, मशक दादा बीवियों की मजार में, अच्छा गरीब नवाज सरकार की बीवियों की मजार है। और ये बच्चा वहीं मशक से पानी भी डालता है, हमारे खादिम साहब की गद्दी पे भी रहता है, हमारा बहुत ध्यान रखता है। तो हमेशा से मतलब आते जब भी ध्यान रखता है। आप जब भी आओ तो ये अशरफ से मशक का पानी डलवाओ, इसका चेहरा याद रखना, मेरा बहुत खास शूटर है यहाँ का, समझ लो अजमेर का शूटर मेरा यही है। सही है ना। और ये देखो दोनों भी कैसे बातें करते खड़े हैं। तो फिर आप लोग देखते रहो, ऐसी दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह ताला। और आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट बना है, और माशाल्लाह चौक चांदनी देखो उर्स की तैयारी कितनी अच्छी चालू है, आप लोग देख सकते हो। तो ये है देखो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये जन्नत की दरवाजा, ये भी आप देख सकते हो। छोटा बच्चा देखो अपना लेके खड़ा है, प्यारा प्यारा छोटा आयान के जैसा। तो ये आप लोग देख सकते हो, दरबार तो बंद हो गया क्योंकि अभी उर्स का टाइम है, तो दरबार 7:30-8 बजे बंद हो जाता है। सब लोग बोलते हैं आज ब्लॉग में पूरा मैं दरगाह का ही बनाने वाली हूँ, और कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दरगाह का। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में भी कुछ होटल वोटल का कुछ बना ही नहीं, डायरेक्टली मैं अपने दरगाह से स्टार्ट करूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी देखो ये जाली एक्स्ट्रा लगा दिया, अभी छोटा कर दिया दरवाजा, तो यहाँ से भी कितना डोर छोटा कर दिया। अभी क्या पुरुष का टाइम है, हाँ ज्यादा लोग नहीं, देखो यहाँ तो खुला कर दिया मेन डोर, मेन डोर ऐसा ओपन कर दिया यहाँ से, जो अगरबत्ती सब लगाते थे रात में ना, मेन डोर ओपन कर दिए ये ऐसा। देखो ये गद्दी पे मैं ज्यादा बैठती हूँ, ये झाड़ के नीचे, झाड़ के नीचे बहुत सुकून मिलता है। और ये सरकार का चलो खबर
चलना जाएगी ना उनके बीच में क्या लेके जाएगा हाथ में इतना सर को करके अंदर लेके जाएगा हाँ चलना समीर जी भी ऐसा लग रहे कि अगर खादी नहीं जैसे आ जाओ हाथ पकड़ो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है दरबार में ठंडी भी लग रही और दिल भी नहीं हो रहा दरबार से वापस जाने के लिए रूम पे कसम खुदा की बहुत अच्छा लग रहा है समीर अच्छा लग रहा है ना क्योंकि सुबह सुबह मैं यही तहज्जुद पढ़े थे क्योंकि बस के फजर आयान भी इधर ही था इधर ही बैठे थे इधर ही अंदा हम लोग सब देखो माशाल्लाह कितना अच्छा हाँ देखो ना एक कुदरती अभी तुमको मैं कल दिखा के ताजोती का एक कमाल दिखाऊंगी तुम देख लेना तुम खुद बोलोगे सही में कि दरगाह में क्या तासीर है क्या प्यारा सजा रहा है और उसकी तैयारी पूरी पूरी चालू एकदम अल्लाह हमारा हर साल होता है और जोर शोर से होता है और ऐसे ही होना चाहिए हमेशा इसी जोर शोर से ही होना चाहिए सर हाथ भी कर पहचान के खादी देखो बुला रहे सामने से हाँ वो पहचानता है तू एक बार नहीं बनाया था आ जाओ और ये झाड़ के नीचे जो मन्नत होती है तो वजन काटे से इधर बच्चों को बड़े को या तुलवाते जो किसी का भी वजन तुलवा रहे बेटा थोड़ा रुक जाना मैं ब्लॉक निकाल रही हूँ इधर बता तुलवा रहे जिसकी मन्नत पूरी होती है वैसे खाती है सबके हाथ से उसे तुलवाते हैं हम मन्नत करते कि हमारा बच्चा हो जाए अच्छे से बच्चे का वेट है वो वेट से हम जो भी हमारी हैसियत है वो हिसाब से तुलवाएंगे तो वैसा ही है चलो आप सभी आ जाओ चलो चलो और ये देखिए एक मजार है इधर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सलातु व सलातु या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलातु या हबीबुल्लाह आयते करीमा होता है जो मैं आयते करीमा के लिए कादर भाई के पास आई हूँ बोलने के लिए तो सब लोग ऐसे आयते करीमा पढ़ते हैं पढ़ते हैं कादर भाई गए क्या गए कादर भाई भाई से बात कर हाँ हाँ ये जो गायती करीमा हो रहा है तो हमारे कादर भाई गए गाँव तो हमने दूसरे बैठे थे उनको बोले है तो भाई बोले अच्छी बात है कल आप आ जाना 10 बजे फोटो निकालने गए हाँ बेटा एक मिनट चलो गई भाई कादर भाई ने बिठा के गए ले और सब बैठे एकदम आराम से एक मिनट बेटा खाली अभी एक सेकेंड तो यहाँ सभी दुकाने हैं तस्वीर यासीन शरीफ हर चीज मिलती है इधर और समीर मेरे साथ में बहुत बोर हो रहे हैं मैं स्लो स्लो अपना वीडियो निकालते चल रही हूँ तो इसलिए समीर बोर हो रहे हैं क्या कर सकती हूँ दरगाह का पूरा झूमर्स देख सकते आप लोग पूरे लाइन से लगे अभी पूरा नए अभी और उसकी और वो अगले साल नए लगे थे अभी उसकी सब सफाई वफाई हुई है कलर वलर भी सब अगले साल हुआ था नया मुझे इतना याद है अभी सब ये साफ सफाई हुई थी इसकी और ये देखो बाहर से सब आ ही रहे और ऐसा आए जब ही ना बहुत ठंडा महसूस हो रहा था जब अंदर पहुंच जाते तो ठंडा महसूस नहीं होता है ये देख सकते आप तो मैं अभी थोड़ा अपना ले रही हूँ तो फाइनली हम लोग अभी दरगाह से निकल ही रहे
बाहर के दरबार तक आ गए और माशाल्लाह देखो देख सकते हैं अपने बैग से भी तो ये समय में सच्चर रहे। अल्लाह सीधा चलेगे ना तो पाव नहीं रुके, जरा भी बैंड होएगा ना तो दुखता है, ऐसा लगता है कि घुटने के अंदर बर्फ भर दिए ले। बबरे का कश्मीर अश्मीर हाय बेटा कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। ये देखो मेरे फॉलोअर बेचारे चालू ही है मगर मैं ब्लॉक निकालने में इतनी बिजी हूँ। चलो बेटा ज्यादा बेटा जल्दी निकाल जल्दी निकाल जल्दी जल्दी फटाफट चलो। वेलकम। तो ये बच्चे लोग बेचारे भाग भाग कह रहे हो कितने फॉलोअर बेचारे मिल रहे हैं मगर मैं ब्लॉग में थोड़ा बिजी हूँ तो मैं संभाल के पैर रखूं। तो हम लोग आए अरमानी में खाना खाने के लिए। तो समीर क्या खाएंगे अपन लोग? चाइनीज फूड खाएंगे ना? चाइनीज फूड खाने का मूड है। फिर में हम लोग दाल गोश्त खाए थे, फिर मैं एकदम ट्रेडिशनल दाल गोश्त खाए थे और अभी हम लोग ने कॉन्टिनेंटल चाइनीज खाए थे मगर अभी हम लोग वहाँ फातिया दिलाए तो वहाँ भी थोड़ा बिरयानी खाए थे ना, वहाँ फातिया दिलाए थे वहाँ पे भी ट्रेडिशनल बिरयानी खाए चिकन बिरयानी। तो और अरमानी का तो बिरयानी इतनी खूबसूरत बनी थी तो बोलते ना नियाज की चीज होती है ना वो उसका टेस्ट ही अलग होता है, अलग होता है क्योंकि मैं आज तक कभी इतने तो छोटे बिरयानी में छोटे में इतना खूबसूरत और इतना लाजवाबदार बिरयानी नहीं खाया आज कभी ने। तो मैंने बटाटा भी रहता ना वो जो आलू को भी कुछ कर करके करके खाया हूँ, मिक्स करके खाया बहुत अच्छा खूबसूरत लाजवाब माशाल्लाह। तो जब भी हम लोग आते तो अरमानी में तो एकदम खाना खाते ही है, रोल अजमेर में खाते ये अरमानी में हम लोग बैठे खाना खाते और अच्छा खाना लेते घर का भी। तो माशाल्लाह हमारा खाना ना खा के हो गया तो मैंने ये आइसक्रीम मंगाई हूँ। ठंडी में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। और समीर को ऐसे जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, समीर ने यहाँ ली आइसक्रीम मंगाई उसके अंदर चम्मच ठंडी में घुसने को घुस रहा नहीं है। अब समीर को बहुत इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, थोड़ा सही नहीं है ना। कौन ये है? ये बता नहीं पाता। हाँ फिर कौन बात करेगा? वो लंबे जैसे उदिन मिला था जो मुझे। हाँ अच्छा अब तो दिन में हम लोग को टाइम नहीं मिलता आने के लिए, एक परसों में चले जाऊंगी अगर ओके कुछ बात होती है तो फिर मैं कुछ बात करती थी करके। ये देखो ये अरमानी के एकदम बहुत अच्छे है वफादार एकदम मैनेजर, मैं तो मैनेजर ही बोलूंगी भाई। बेचारा सब संभालता है सब देखता है, हम लोग जब भी आते तो बहुत इज्जत करता है। पहले ये सुकून होटल में थे बहुत टाइम से, मुझे काफी साल से थे उधर, अभी इधर आए और हम लोग का तो बहुत ध्यान देता। हम लोग कितनी भी रात को आन दो मेरे बच्चे हम लोग बहुत ध्यान देता बेचारा। अब जा रही हूँ मैं दरगाह पे, बज रहा है सुबह का 6। नमस्कार जा रही हूँ और 5 बजे से मगर मैं अभी मैं 6 बजे जाती हूँ बज के, ठंडी बहुत ज्यादा है ना इसीलिए ठंडी तो लगी रही है। जा रही हूँ अभी दरगाह उठ चुके हैं क्या हवा है भाई बाप दांत में इतना दिक्कत है ना मेरे दांत में क्या बता नहीं सकती भाई। देख सकते आपको चाय की दुकान लग चुकी है और सब भागे भागे नमाज के लिए जा रहे हैं फटाफट फटाफट ठंडी में हाथ बांधे बांधे। ओहो हो हो क्या ठंडी है माँ माँ मेरे कितना बड़ा स्वेटर रुमाल हर किसी में कुछ जेंट्स ने लोग तो बड़ा बड़ा जैकेट जगह जब बिकती रही है बच्चों की सब चल रहे
और अजान हो रही है फजर की। फजर फजर एक नजर लबा गुलता है। फजर में आप मेरे पे एक नजर डालो, मैं आप पे पूरा दिन नजर डाल के रखूंगा, है ना। ये दरगाह के करीब सब फूल की दुकान लग चुकी है। सुबह सुबह मस्त फूल, ताजे ताजे फूल लग चुके हैं। अजान के टाइम में ये सब दुकानें खुल जाती है। पूरी दुकानें माशाल्लाह से लग चुकी है। सब खादिम के बच्चे खड़े हैं। मेरा चप्पल वाला बैठा है जो हमेशा बैठता है, मगर मैं सैंडल नहीं पहन के आई हूँ, तो जो चप्पल रख के चप्पल खराब हो जाती है। इधर ही रखना, नंबर देंगे नहीं ना। घुसी अभी माशाल्लाह से देख सकते आप। मैंने सॉक्स भी निकली नहीं हूँ, मोजा कल भी सोची मोजा लूंगी, लाना तो भूल गए थे सारे मोजे घर में। सरकार का गुम्बद देखा सुबह सुबह, फजर फजर देखा बुम्मा, कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बार भी माशाल्लाह बोल रखो, बहुत प्यारा माशाल्लाह। सब वजू खाने पे वजू कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरा बच्चे लगे मैं इधर रहूँ तो मैं डेली आप लोग को फजर में आती आपकी पूरी जियारत करा हूँ। दुकान खुली, हाँ मरियम अपा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सब जीन सब देखो नमाज के लिए बैठे हैं। बस के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ फूल की दुकानें सब चालू है। यहाँ भी जमात देखो पूरी बंदी है। देखो ये मैंने फूल की चादर ली चढ़ाने के लिए, समीर तो बाद में आएंगे तो चढ़ाएंगे, मगर मैं भी सुबह सुबह ही अपने हाथ से थोड़ा फूल चढ़ा दूँ दरगाह पे। फूल लेके जा रही हूँ, आप देख सकते हो कैसे आ रही ना। हाँ यहाँ बंद कर दी, फिर यहाँ से देखो ये सब नया रास्ता की है ना जाने का, बहुत अच्छा बंदोबस्त की जाने का, उसमें कोई तकलीफ नहीं करके। यहाँ का सबसे बड़ा डेग है जो अभी साल के दिन पूरा खाली हो जाएगा, और यहाँ पूरा मतरूस राशन भरा जाएगा। देखना मैं छठी में आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी, जो ये ड्रम में रखे रहे दलिया तो इसमें डेली बनता है, मगर जो जो राशन तस्लीम करता है पूरा इतना घी फैन से भी ऊपर तक राशन की बोरियाँ रखी जाएगी, जिसकी जो हैसियत है वो देता है। और ये लकड़े लगे जो देख के रखते हैं ना बनाने के लिए डेली, और ये साल में एक बार ये डेग खाली होता है। और हमारे को दलिया बट रहा है, दलिया बन चुका है और दलिया बट रहा है, सब चढ़ चढ़ के ऊपर दलिया ले रहे हैं, तो वहाँ से दलिया बटता है, तो ऐसा करके सब दलिया लेते हैं। चलो मैं कोशिश करती ऊपर जाने की, सीढ़ी लगी रहती है इसके ज़्यादा बनता है, जो डेली सुबह सुबह और शाम बनता है, बन चुका है। तो सब बढ़ रहा है, सब ले रहे, खास करके बनता है
इतना बड़ा बुरा देख के इतना मन का ही इसमें बनता है। कभी चढ़ती नहीं ऊपर, आज पहली बार चढ़ी, हमेशा देखते रहती हूँ। वहाँ सबसे बड़ी देखे और साल में एक बार होती है। जिसकी जो हैसियत है वो पैसा डालते रहता है इसमें, 10 हो 100 हो 1000 हो, जो भी अपनी हैसियत है। तो देखो कायनात में आई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, नमाज फजर की सब हो गया मेरा। तो मैं जाते थे तो नाश्ता करती हूँ, जब भी फजर में आती हूँ तो मुझे आदत है फजर में नाश्ता करने की। तो मेरा हाफ फ्राई और पराठा, पानी की बोतल, और ये बच्चा बैठा है काउंटर पे, इन्हें मेरा खास मुझे बना के देता है नाश्ता। बेचारे ने मलाई भी मंगाया था दूसरी कायनात से, तो मलाई मिली नहीं, बोला आपा कल मंगा के देता हूँ। तो कल इंशाल्लाह तला देखो मलाई मिलती है तो, क्योंकि आगे से मंगाना पड़ता है ना। तो अभी सब लोग बेचारा पराठा भी बहुत जबरदस्त सुबह सुबह बना रहे हैं बच्चा, सब मेहनत में सुबह सुबह लग जाते हैं ना। अपने लोग क्या रेडी खा लेते हैं बेचारे लोग, सुबह सुबह कितनी मेहनत करना पड़ता है। उसके सामने देखो ये सुकून होटल, सुकून होटल के सामने कायनात है, और सुबह सुबह उतना चिल्ला रहा है 150 150 150। बाप रे। तो आप लोगों को तो पता ही है सुबह मैंने नाश्ता कर ली थी फजर में, फिर आके सो गई थी। तो अभी बज रहा है कितना, 11:30। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी शरवा शरीफ अभी तैयार होगी, समीर तो बेचारे एकदम तैयार होके रेडी हो गए ले। तो मैं सोई तो मेरे को उठा ही नहीं, एक तो मेरे दांत में ना इतना दुख रहा है आले में, दवा भी ली मेडिकल से, अच्छा ही नहीं, ठंडी ज्यादा इसलिए ज्यादा दर्द हो रहा है। तो और दाढ़ वाड़ में नहीं दुख रहा, सामने के दांत में ही दुख रहा है, तो उससे बहुत मुझे परेशानी हो रही है। कभी नाश्ता मंगाया तो समीर के साथ बैठ के देखो यार नाश्ता कर रही हूँ, क्या नाश्ता कर रही हूँ आप लोग को बताती हूँ अभी। तो देखो जो समीर तो एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं, तो वो नाश्ते में जब समीर अभी चाय कप में डाले ही है, और ये टोस्ट ब्रेड टोस्ट है मंगाए है। और तुमने वाटी में एक्स्ट्रा बटर नहीं मंगाए ना? नहीं जान दो अभी। देखो समीर एकदम रेडी हो गए, बैठो ना, समीर एकदम रेडी हो चुके जाने के लिए। तो हम शरवा शरीफ जाएंगे अभी, उस्मान भाई को ही फोन करेंगे खाना बनाने के लिए। अभी ये देखो और उनकी हालत बहुत बुरी चालू है, ये देखो इधर ऐसे कपड़े पड़े ले, ये देखो उधर ऐसे कपड़े, अभी शाम में सब कपड़े रखो। ये तो मैं आऊंगी तो मुझे लेना बहुत जरूरी है, 3 जोड़ी चप्पल, एक पर्स, तो इतना भारी भी एकदम सरप्राइज है। मेरा सेम बुरखा भी ऐसा ही है, उसके ऊपर पर्स भी वैसे ही भारी, 5000 का पर्स ली हूँ, बहुत जबरदस्त है, 3 जोड़ी से चप्पल है। परी बोलती बहुत शानी है, जब जाती अपने लिए चप्पल अप्पल सब, जब जाती चप्पल लपट के लेके आती है। तो ये चलो सुनो स्टार्ट करो, चाय ठंडी हो रही है। उनका नंबर नहीं करता ना पहला? अरे कर देंगे फोन यार। और इसके साथ में ही, और इसके साथ में ब्लॉक में अभी इधर ही एंड करूंगी, मेरा दूसरा ब्लॉक अभी चालू होगा। अभी हमेशा मैं रात में ब्लॉक एंड करती थी, मैं परसों ऐसा हो गया था, मैं ब्लॉक डालते डालते मेरे ब्लॉक में कुछ ऐसा कुछ आ गया था, मतलब जा नहीं रहा था जल्दी, तो मुझे तो इतना समझ में नहीं आता, तो मैंने ब्लॉक बनाई नहीं। उसके बाद में कुछ लिख के आ रहा था कि फुल हो गया, तो फिर मुझे ब्लॉक कल भी ना हम लोग को रात में डालना पड़ा, नहीं तो मैं शाम में रात में डाल लेना, तो टाइम थोड़ा उल्टा हो गया। तो फिर अभी इंशाल्लाह ताला मैं ब्लॉक, अभी ये ब्लॉक एंड हो जाएगा तो फिर रात से एकदम बराबर अभी दिन का कंटिन्यू, छोटा भी रहेगा ना आज का ब्लॉक, शॉर्ट ब्लॉक भी, तो रात से डालेंगे जैसा, फिर कल से दिन से जैसा डालते थे स्टार्ट वैसी होगा। तो इसीलिए आप लोग ब्लॉग ऐसे देखते रहो, ऐसे प्यार देते रहो, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। लाइक फॉलो करो आप लोग, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हो मुझे सिल्वर बटन जल्दी मिले, अगर चाहते हो तो फटाफट फॉलो करो यार, चाहिए ना बहन के पास भी फुलर बटन, सिल्वर बटन चाहिए ना आपकी बहन के पास, आपकी माँ के पास,
लोग इतना रोप बताते हैं, हमारे पास सिल्वर बटन है, मैं रोप नहीं बताऊंगी, सच्ची मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोग से, मगर सिल्वर बटन चाहिए भाई। हाँ क्या अपने को चाहिए बटन? तुम लोग का भी तो रोप बढ़ जाएगा यार, मरिया पापा के फॉलोअर के पास, मरिया पापा को इतने लोगों ने फॉलो करे तो उनके पास सिल्वर बटन आ गया है। हाँ और फटाफट जरा इंस्टाग्राम पे फटाफट करो, जरा 1 मिलियन हो जा दो, फिर सुकून से बैठ जाएंगे यार। एक बार 1 मिलियन हो जाएगा तो है ना, 200 में कुछ बाकी है, फटाफट करो चलो, फिर वहां से फारिग हो जाएंगे, फिर यहाँ तुम लोग जरा जरा ज्यादा यहाँ फोर्स लगाओ, माता तुम लोग ताकत लगा के 1 मिलियन। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks, I'll build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay.